आज बात करेंगे निकॉन Z6 मार्क टू या Z6 टू के बारे में। इसका करेंगे आज इमेज क्वालिटी टेस्ट और देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मॉन्टू सोनी का। ये एक जयपुर बेस्ड वेडिंग एंड कमर्शियल फोटोग्राफर हैं। इन्होंने मुझे ये कैमरा दिया आज रिव्यू करने के लिए। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच मॉन्टू। मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपकी ये कैमरा आपने कब लिया और कितने का लिया? सर मैंने ये फेब में लिया था और मैंने 2,04,000 रुपये में लिया था, वो 35mm के साथ। 35mm लेंस के साथ 2,04,000 के अंदर। तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा इसके साथ? बहुत अच्छा लगा। सब मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि निकॉन Z6 II बहुत ही अच्छा कैमरा है। हाँ। और मेरे को, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। ठीक है, तो आप रिकमेंड करना चाह रहे हैं तो चलो आज पहले इसका इमेज क्वालिटी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करता है। आपने जो मुझे लेंस दिया है, ये लेंस दिया उन्होंने 85mm का 1.8 यानी कि एस लाइन वाला जो लेंस है वो दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों पहली चीज़ जो मैंने निकॉन Z6 मार्क टू की नोट की, जैसे मैंने इसे होल्ड किया, वो लगे इसके अर्गोनॉमिक्स। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ ये 615 ग्राम की बॉडी है, तो बहुत ही लाइट वेट कैमरा है ये। 24.5 मेगापिक्सल्स का BSI CMOS सेंसर के साथ ये एक फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है। और जैसे मैंने इसे होल्ड किया तो मुझे इसकी ग्रिप बहुत ही कमाल की लगी, ऐसा लगा मैंने अपना DSLR पकड़ा हुआ है। सो ग्रिप इज़ वेरी गुड, बहुत ही, जब आप इसे होल्ड करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ आपने एक सॉलिड पीस जो है पकड़ा हुआ है बिल्कुल लाइट वेट के साथ। दूसरी चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी वो इसका डिज़ाइन। अगर आप इसका पीछे का डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से इस कैमरा को डिज़ाइन किया गया है। 3.2 इंच का जो है इसका ये LCD स्क्रीन आपको मिल रहा है, जो कि इस जगह को बहुत अच्छे से फिल करता है। बटन्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सही जगह पे प्लेस किए हैं, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। जब मैं पीछे देख रहा था तो मुझे बिल्कुल भी जो है कंफ्यूजिंग नहीं लगा इसका मेन्यू। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके जो साइड का पोर्शन है, जहाँ पे आपके हेडफोन केबल है या आपको HDMI केबल के जो जगह दी हुई है, वो बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन की हुई है। सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर मुझे लगी वो है इसका, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको डुअल SD कार्ड स्लॉट मिला है, जो कि निकॉन ने बहुत लोगों की कंप्लेंट सुनी क्योंकि निकॉन Z6 के अंदर ये नहीं था। फाइनली दो कार्ड स्लॉट तो यार चाहिए, तो ये निकॉन ने डाला है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बात करें इसके ऊपर के हिस्से की, तो यहाँ पर एक डायल इस तरह से दिया हुआ है, एक डायल यहाँ पर है और एक छोटा सा जो है LCD स्क्रीन दिया है, ताकि आप अपने एक्सपोजर ट्रायंगल सेटिंग्स को यहाँ देख सकें। और यहाँ पे ISO का रिकॉर्ड बटन एक डेडिकेटेड दिया हुआ है। सो ओवरऑल अगर इसके अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। दोस्तों पिक्चर्स आपको इसके कैसे लगे, कलर साइंस आपको कैसी लगी? मुझे तो कलर साइंस काफ़ी अच्छी लगी, पिक्चर्स बहुत ही नेचुरल कलर के साथ में आए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, इसमें 3.6 मिलियन डॉट का OLED इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, तो जब मैं इस तरह से अपने सब्जेक्ट को देख रहा था तो मैं बहुत अच्छे से जज कर पाया कि मेरी लाइट किस तरह से आने वाली है और मेरा फाइनल इमेज कैसे निकल के आएगा। चलिए कुछ और पिक्चर्स लेते हैं इनके। दोस्तों आपको फोटोज़ कैसे लग रहे हैं? मुझे अभी तक इसकी कलर साइंस और फोटोज़ दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे। और मैंने जितने भी फोटोज़ लिए हैं वो लिए हैं इसके 85mm 1.8 लेंस, जो इसका S लेंस आता है इनका, उसके साथ ही लिए हैं, जो कि मिररलेस के लिए बना है। तो लेंस ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बोके ब्लर बैकग्राउंड बहुत अच्छे से निकल के आया, डिटेल हमें अच्छी खासी मिली है। एक चीज़ जो मैंने नोट की वो लगी मुझे इसकी अच्छी, वो इसका 3.2 इंच का काफ़ी बड़ा स्क्रीन है, जो कि इस पूरे पीछे की जो बैक की जो स्पेस है उसको अच्छे से फिल करता है। और जब मैं फ़ोटोज़ ले रहा था लाइव मोड के अंदर जाके, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि इसका जो रिजोल्यूशन है करीब 2.1 मिलियन डॉट का ये टिल्टिंग LCD स्क्रीन है। तो डे लाइट पर भी आप शूट करें तो आप लाइव देख पाते हैं दोपहर के टाइम भी कि आपका सब्जेक्ट किस तरह से निकल के आ रहा है, आपका जो सीन है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करें इसके मेगापिक्सल्स की, तो जैसा कि मैंने बताया शुरू में 24.5 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो इस पर आप अच्छी खासी फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ई कॉमर्स फोटोग्राफी वगैरह वगैरह सारा काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसके साथ अच्छे लेंसेज को यूज़ करें।
अब यहाँ बात करें इसके जो इसका जो प्रोसेसर है एक्सपीड 6 प्रोसेसर है, वो भी मुझे उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था यहाँ पर, मैंने जब थोड़े बहुत टेस्ट करा था, तो मैं 14 फ्रेम्स पर सेकेंड शूट कर पाया सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट के ऊपर। चलिए अब लेते हैं इसकी एक वीडियो फुटेज और देखते हैं कि वीडियो परफॉर्मेंस कैसी है निकॉन Z6 मार्क II की। तो मैं शूट कर रहा हूँ इस वक्त फुल HD पे, यानी कि 60 FPS के ऊपर, और यहाँ पर ऊपर एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग बटन दिया हुआ है। देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसका परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। ऑटो फोकसिंग का भी टेस्ट हो रहा है, देखिए किस तरह से। एक बार थोड़ा सा फोकस हल्का सा लूज़ किया ऐसा लगा मुझे, या क्लोज थोड़ा सा पास आओ और पास, स्टॉप। इसका वीडियो परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा दोस्तों? मुझे ठीक ठाक लगा इसका वीडियो परफॉर्मेंस। एक दो बार थोड़ा सा फोकस हंट किया, और ऑटो फोकस जो वीडियो के अंदर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसे सोनी के कैमराज से या कैनन के जो मिररलेस कैमराज उससे कंपेयर करें, बट रीजनेबली गुड है। और पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप वीडियो शूट करें तो आप जितना मैनुअल फोकस यूज़ करेंगे उतना जो है आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज वीडियो के अंदर मैनुअल फोकसिंग इज़ मच बेटर देन यूजिंग ऑटो फोकस। बट आजकल किसी के पास टाइम होता नहीं है, मैं भी यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ तो कई बार जो है मैं ऑटो फोकस मोड में ही शूट करता हूँ। ओवरऑल वीडियो परफॉर्मेंस अच्छी लगी। अब यहाँ पर इस कैमरा के अंदर जो इन्होंने शायद फॉर्मवेयर अपग्रेड नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉर्मवेयर अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप 4K 60p इसमें शूट कर पाएंगे। तो मैंने 4K पे ना लेकर, क्योंकि था ही नहीं इसमें, तो मैंने HD पे ही शूट किया। बट 4K 60p भी जो है वो आपको मिलेगा APS-C मोड के ऊपर। बट अगेन 4K 60p अगर आपको मिल रहा है कैमरा के अंदर इंटरनली तो वो बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो आपको APS-C सेंसर यानी कि आपको क्रॉप मोड में मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप अच्छे खासे वीडियो शूट कर पाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो कैमरा है ना केवल फोटोग्राफी के लिए बल्कि वीडियोग्राफी के लिए भी बहुत ही अच्छा कैमरा है दोस्तों। अब जब मैं शूट कर रहा था तो मैं यूज़ कर रहा था ये टिल्टिंग स्क्रीन, तो ये स्क्रीन अच्छा है LCD, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल जितने भी अच्छे कैमराज आ रहे हैं, चाहे वो सोनी का A7C हो, A7S3 हो, या भी A7IV आया, जितने भी आए, तो सब जगह जो है आजकल, या इवन कैनन के आप कैमरा देखेंगे तो सब जगह जो है उन्होंने पूरा एक फ्लिप आउट स्क्रीन दिया हुआ है। सो फ्लिप आउट स्क्रीन इसमें क्यों नहीं दिया मुझे समझ में नहीं, अगर वो देते तो बहुत ही अच्छी बात होती। बट अगेन इट्स नॉट बैड, कई लोग यही प्रेफर करते हैं। बट आज के ज़माने में अगर मुझे अपने खुद को शूट करना हो तो यहाँ पर या तो फिर मुझे जो है एक अलग से एक्सटर्नल HDMI स्क्रीन लगाना पड़ेगा खुद को देखने के लिए, कुछ और इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं डाली गई हैं, अगर डालते तो और भी अच्छा रहता। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों परफॉर्मेंस मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। फोटोग्राफी इसमें बहुत अच्छे से हो रही है, वीडियोग्राफी अच्छे से हो रही है, और जैसे कि मैंने बताया एर्गोनॉमिक्स जो है इसके काफ़ी अच्छे लगे मुझे, बहुत ही अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया है, कोई ओवरहीटिंग इश्यूज़ नहीं है जैसे कि कुछ और ब्रांड्स के अंदर है, तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। बट अगेन यहाँ पर जो मुझे चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगी वो यहाँ पर 30 मिनट्स का ही, अगर आप वीडियो शूट करें तो 30 मिनट के बाद आपको यू हैव टू स्टॉप योर रिकॉर्डिंग। अब आजकल जो भी नए कैमरा आ रहे हैं उसमें अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग का फीचर है, वो इसमें नहीं है। तो अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिए 30 मिनट का ही इसके अंदर ऑप्शन मिल रहा है आपको, अदरवाइज़ फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। सो अगर आप एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं जिसमें आप अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकें और उसमें अच्छे खासे वीडियो शूट कर सकें, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स और ऑप्शंस मिल रहे हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। इसकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा।